राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री की बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा? बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं, और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें। क्यों बांग्लादेश के ऊपर जो आपने बड़ी बड़ी बात आपने बोला है, और यहाँ पर आप बनारस के अंदर आप यात्रा निकालते हो, हिंदू जागरण करते हो, और यह बताना आपने भूल रहे हो कि शेख हसीना जी को कहाँ रखा है। ऐसे लोगों से जो देश को बांटना चाहते हैं, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, उन लोगों से देश को सावधान करते रहे। हम देशवासी और हमें अपने देश के सभी और प्रदेश के और नगर के सभी सम्मानित बुजुर्गों पर, सभी सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और नौजवानों पर और सब पर बहुत बड़ा, मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ, और ये देश का गौरव रहा है कि जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का बाह्य संकट आया है, चाहे चीन का आक्रमण रहा हो, चाहे और 65-66 में देश के ऊपर हमला रहा हो, हमारे देशवासियों ने राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों ने देश की रक्षा का काम किया है, ये इतिहास गवाह है। तो जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो उनकी तो बातें न्यारी है, मुख्यमंत्री की तो बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आप देख लो, ये जितने लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं, सब जात बिरादरी लोग हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, सब बिरादरी लोग बैठे हैं, ठाकुर भी बैठे हैं। तो हमारा देश हमेशा एक रहा है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का भाव रहा है, यही भाव रहेगा। गंगा जननी संस्कृत है, यही रहेगी। अब वो कि हिंदू एक रहें, अरे भाई सारे लोग हिंदू हैं, तो इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से जो अलग है वो हिंदू नहीं, यही तो है ना। तो इनका कुछ, इनके सामने कुछ तो है नहीं काम। बहुत ही भारी स्टेटमेंट दिया है, पर बांटने का और काटने का तो काम आप ही कर रहे हैं, और आज आप यही बात और यही हम लोगों को कहने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आपकी क्या सीटें कम हो गई हैं, अब आपको सबका साथ चाहिए। बोलते तो आए थे आप सबका साथ सबका विकास, पर बुलडोजर तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं, तो ये आपको बोलने पर शोभा नहीं देता, क्योंकि बांट भी आप रहे हैं और काट भी आप रहे हैं। वही मैं कहने कहा कि फिर बांग्लादेश के ऊपर जो आपने बड़ी बड़ी बात आपने बोला है, और यहाँ पर आप बनारस के अंदर आप यात्रा निकालते हो, हिंदू जागरण करते हो, और यह बताना आपने भूल रहे हो कि शेख हसीना जी को कहाँ रखा है। मोदी जी ने यह जरूर देश की जनता को, अब बनारस की जनता और काशी की जनता को जरूर बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी के 5 संकल्प में इस एक संकल्प है कि जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर जो बांटने का प्रयास करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, और ये सही भी है। 1947 के अंदर भी हम बटे तो हम कटे, और आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी
हिंदुओं को जिस तरह से जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो खतरनाक एक मोड़ है। और यही नहीं, राहुल गांधी यहां पे बोलते हैं कि यहां पे दलित ओबीसी के नाम पर आपको एक दफे सेंसस होना चाहिए, बहाना सेंसस का है। अब वही चीज राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो समझौता करते हैं और आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, और आर्टिकल 370 के तहत ओबीसी, दलित और जो पहाड़ी समाज है, गुजर समाज, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता नहीं। तो एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में कुछ और वादा कर रहे हैं, यहां पर कुछ और कर रहे हैं, तो आप देश को जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, यही संकल्प है कि जो जाति और क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं इस देश में, उनसे सावधान रहना चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। देखते हुए कहा समसामया एक है इस समय। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में, हम लोग बहुत सक्षम है। हम लोग देश की एकता अखंडता को बना के रखेंगे, मगर हमारा ये भी काम है कि इन ऐसे लोगों से जो देश को बांटना चाहते हैं, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, उन लोगों से देश को सावधान करते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।